हाँ जी मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे हो सारे सत श्री अकाल। जिवें तुसी जानते हो कि आप गणित की क्लास जो कल की सी उस विच असी दोहराई शुरू की सी जिदे विच अभ्यास एक दी एक मैं करवाती सी। आज असी शुरू करांगे अभ्यास एक दी दो तो तुसी उस दोहराई नू देख के अपना काम दुरुस्त कर लिया होना है मैं मन के चलदा। सो बी अटेंटिव, हुण बिल्कुल चेतन हो के बैठ जाओ, फ्रैश हो जाओ, पानी पी लो, खाना वाना खा लिया तो बहुत अच्छी गल है, नहीं खादा तो खाना वाना खा के फ्रैश हो के चौंकड़ी मार के बिल्कुल इस वीडियो नू ध्यान नाल देखियो ते नाल नाल इसनू समझियो ते नाल नाल अपने अभ्यास पुस्तका दे उपर गणित दे उपर गणित दी दुनिया जिहड़ी टैसट बुक है तुहाडी उहदे विच भी करना है ते कॉपियां दे उत्ते भी इहदी प्रैक्टिस जिहड़ी है उह लगातार करदे रहना वा। सो शुरू करदे हां अभ्यास एक दी दो। दित्ती संख्या तो शुरू करके अगलियां पांच संख्यावां लिखो। मैं पेज नंबर 14 ते हाँ, सारे बच्चे वेख लो 14 नंबर पेज जिहड़ा वै वह तुसीं कढ़िया है कि नहीं। अगर नहीं कढ़िया तो कढ़ लो, वीडियो स्टॉप कर दो इत्थे ते पेज नंबर अपना कढ़ लो। सो मैं हाँ 14 नंबर पेज ते और पहली जिहड़ा सवाल है वह है कि दित्ती संख्या तो शुरू करके अगलियां पांच संख्यावां लिखो। तो हुण आपां पांच संख्यावां किदां लिखदे हाँ, इहदे विच एक एक जोड़ दिंदे हां ते अगली अगली संख्या बनती जाती है। जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पर आप 2128 है पहला जिहड़ा साडा सवाल है, उहदे विच एक जोड़ांगे तो की बन जाएगा 2129। इस तरह ही अगलियां पांच संख्यावां एक एक जोड़ के बनाउणियां। इस तरह ही बी वाला 996, फिर सी वाला 2832, फिर डी वाला 5999, फिर ई वाला 7998। इहदे विच एक एक जोड़ना, जो भी आंसर आए उस फिर एक जोड़ लेना, जो आंसर आए फिर एक जोड़ लेना। इस तरह उत्तर दे विच एक एक आपां अंक जोड़ी जाना तो साडी अगली संख्या जिहड़ी उह बनदी जाणी है। ठीक है, इस तरह एफ वाला 4007 है, इहदे विच आपां एक एक जोड़ी जावांगे तो अगलियां पांच संख्यावां बन जाणियां। तुहानूं मैं एग्जाम्पल एक देती पहले दी फिर समझा दिंदा। 2128 तों अगे की आएगा 2129, फिर आएगा 2130, फिर आएगा 2131, फिर आएगा 2132, फिर आएगा 2133। इस तरह पांच संख्यावां अगलियां लिखनियां। दो नंबर ते आ जाओ, दित्ती संख्या तो शुरू करके पिछलियां पांच संख्यावां लिखो। हुण आपां अगे पहलों जमा करदे सी ते एक एक जोड़दे सी, हुण आपां की करना है आपां हुण एक एक घटाउणा शुरू करना है। जिस तरह 1004 है पहला प्रश्न, ए जिहड़ा है सवाल 1004, इहदे विच आपां एक घटावांगे तो किन्ना आ जाएगा 1003। मैं एग्जाम्पल दे रहा हाँ, बाकी तुसीं आप करने ने। इस तरह ही 1003 चों एक होर घटा दिए 1002, फिर एक घटावांगे 1001, फिर एक घटावांगे 1001। चार घटा लिया आपां, एक होर घटाउणा जे बाकी है, फिर आ जाएगा 999। ठीक है, इस तरह ही पांच जिहड़े आपां घटा लाँगे एक एक करके ते साडा पिछलियां पांच संख्यावां आ जाणगियां, तुसीं कॉपी ते लिख सकदे हो। इस तो अगे खाली थावां भरो। ठीक है, इस तो 2200 तो पहला संख्या कि आती है 2199, एक घटा लेनी है तो 2200 जो आप एक जोड़ लाँगे तो अगली संख्या आ जानी है। ठीक है, जिहड़ी विचकार संख्या लिखी है ना 2200, इहदे विचों एक घटावांगे तो खब्बे बन्ने ए वाली संख्या आ जानी है, एक जोड़ लाँगे तो अगले बन्ने जिहड़ा खाली स्थान है उहदे विच 2201 आ जाना है। इस तरह बी वाला देखो 7853 है, यानी कि 7853, ये जोड़ा है एक घटावे तो 7852 आ जाएगा, तो जोड़ा तो 7854 आ जाएगा, दोवें खाली स्थान भरे जाएंगे। इस तरह ही बाकी संख्यावान तुम्हें करनिया ने। डी वाला वेखो तीसरे की खाली स्थान का डी वाला, ये 2599 है तो अगे की आऊगा 2590, फिर अगे आ गया 2591 पहले लिखा है। इस तरह सारिया संख्यावान देख के तुम अपने आप करनिया। अगे है समझो अते करो, ये ए वेखो 723, 733, 743, 743 की हो रहा भला, 10 10 ये जोड़ रहे हैं, ध्यान ना वेखो 723 10 जोड़े 733 हो गए, फिर 10 जोड़े 743 हो गए। इस तरह ही बाकी 10 10 जोड़ के अगलिया खाली थावान चार जी भर लेनिया। तुम बी दे 1510 1520, यानी कि 1510 1520 1530, ये 10 10 जोड़ रहे हैं। इस तरह ही तुम 10 10 जोड़ दे जोड़ते जाना। अगे ध्यान ना देखो 2545 2560 किन्ने जोड़े है इस 15। ठीक है,
तो 15 जोड़े है तो अगे भी 15 जोड़े है फिर अगे भी 15 जोड़ने ये जो आंसर आए जो आंसर आए फिर 15 जोड़ने जो उत्तर आए फिर 15 जोड़ने जो उत्तर आए फिर 15 जोड़ने हैं। डी वाला वेखो 4690 हूँ की हो रहा ध्यान ना देखो अगे है 4670 हूँ घट रहे किन्ने घट रहे भी 70 चो 4670 चो 4670 चो भी फिर घटाती 4650 आ गया इस तरह भी घटाते जाना आप पूरा कर लेना। ई की गल करते हैं ये देखो की हो रहा 8150 फिर अगे है 8200 हूँ देखो कि जुड़ रहा वध रहा ना तो 50 जुड़ रहा लगातार तो 50 अंक आप जोड़ी जाने तो अगे तुरी जाना तो पूरा कर लेना। इस तरह एफ वेखो अगे पेज नंबर 15 से आ जाओ हाँ जी 15 नंबर पेज से आ गए 6325 6425 हूँ वेखो 100-100 का फर्क पै रहा है ना इस तरह ही 100-100 का फर्क पा के तुसी अगे लिख देना। इस तरह ही 3008 3018 3028 10-10 जोड़ रहे हैं ये मतलब 10-10 आप जोड़ के अगे संख्या बनाते जावे हूँ देखो 9000 8000 7000 हूँ क्या है अगे हाँ 6000 5000 4000 ते 3000। पंजवा प्रश्न हेठ लिखिया संख्यावां दियां अगेतर संख्यावां लिखो अगेतर संख्यावां केड़ियां होंदियां ने जिहड़ी संख्या 999 है इहदी अगेतर की आऊगी अगेतर मीनस अगली संख्या इहदी एक एक आपां जोड़ दांगे ते की आऊगी 1000 इहदे सारे विच एक एक जोड़दे जावांगे ते अगली संख्या सानू मिलदी जाऊगी। पंजवा सवाल सारा ही इदां करना ए बी सी डी ई एफ जी एच एक एक सारे जोड़ देना अगेतर आ जाएगी। इस तरह ही हेठ लिखिया संख्यावां छेवां प्रश्न है जिहड़ा हरे नाल हरे पेन नाल लिखे ना उन्होंने छेवां प्रश्न बस हरे हरे जिहड़े लिखे सारे प्रश्न ही है छेवें प्रश्न हुण पिछेत्र लिखना है पिछेत्र दे विच आपां एक एक घटाउणा शुरू कर देंगे एग्जाम्पल दे तौर पर उदाहरण देन लगा तुहानूं 9878 इहदे च एक घटावांगे तो किन्ना आ जाएगा 9877। इस तरह सारियां संख्यावां जे एक एक घटा के आपां लिख देंगे ठीक है। हुण पेज नंबर जिहड़ा है आपां अगली अभ्यास जिहड़ी है वह करनी है दोहराई जिहड़ी कर रहे हैं उहदे विच आपां हुण पेज नंबर जिहड़ा है वो 19 कढ़ना है 19 नंबर पेज अभ्यास 1-3 वो आपां शुरू करना है। उहदे विच तुसीं देखो हेठ लिखियां संख्यावां विच लकीरे अंक दा स्थानक मुल लिखो स्थानक मुल की हुंदा वै जिहड़े स्थान ते कोई अंक आ उहनूं उहदे विच ही प्रगट कर देना वा जिस तरह 326 आ एग्जाम्पल दे तौर ते पहला सवाल तो 326 दे विच दो किहड़े स्थान ते आ दहाई दे स्थान ते तो इहदा स्थानक मुल किन्ना हो गया 20 क्योंकि दहाई वाले स्थान ते आ। इस तरह ही दूसरे बी दे विच वेखो थल्ले 4 सैकड़े वाले स्थान ते आ तो किन्ना आ जू सैकड़े दा मुल किन्ना हुंदा 100 तो 4 दा मतलब 400 इहदा स्थानक मुल हो गया 4 दा। इस तरह ही बाकी स्थानक मुल जिहड़े आ तुसीं लभणे ने सी दे विच 0 आ 0 दा मतलब सैकड़े तो 0 सैकड़े इन्हें आपां कहना कि कुछ नहीं आपां इत्थे लिखांगे 0 0 0 यानी कि सैकड़ा तो है पर कोई सैकड़ा नहीं ठीक है। इस तों अगे डी दे विच 8 इकाई वाले स्थान ते आ ते किन्ना स्थानक मुल आ जाएगा 8 ठीक है। हुण नैक्सट आपां करांगे ई 7 विच वेखो 4716 दे विच स्थानक मुल 7 दा की आ सैकड़ा तो सैकड़े दा मुल 7 आ 7 दा किन्ना आ गया 700 इस तरह 6000 दे 6 दा 6000। हुण थल्ले आ जो 2 नंबर सवाल हेठ लिखियां संख्यावां विच लकीरे अंक दा अंकित मुल लिखो अंकित मुल की हुंदा वा अंकित मुल हुंदा है कि जिहड़े भी स्थान ते कोई अंक आ उहनूं उसे अंक का नाँ दे देना वा उस अंक की उन्होंने संख्या दे देनी आ उस अंक का स्थान उदा दस देना वा जिस तरह असी पिछे पढ़िया सी कि मान लो 2879 संख्या होवे पेज नंबर 17 ते पढ़िया सी ना आपां मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा तुहानूं पेज नंबर खोलने की लोड़ नहीं उदाहरण दे रहा 2879 है तो ये जिहड़ा 9 आ इकाई दे स्थान ते है ना तो ये 9 दा स्थानक मुल की है 9 तो इहदा अंकित मुल की है 9 ही ठीक है। जो मान लो हुण आपां सैकड़े का देखते हैं चलो 2879 है ना 800 जिहड़ा वा सैकड़े के स्थान पर है ना 8 जिहड़ा सैकड़े के स्थान पर आ तो इहदा जिहड़ा स्थानक मुल है वह 800 होएगा तो अंकित मुल किन्ना है
अठ, क्योंकि जो भी संख्या है उन्होंने उस तरह अंकित कर देना, अंकित मूल के उत्ते अंकित करना, उस तरह संख्या में देखना जिस तरह वो लिखी आ। इस तरह ही हुण अंकित मूल लकीरे जिहड़े शब्द है उन्होंने लिखना वा। सवाल नंबर दो पेज नंबर 19 ते आप पहुँच गए हाँ। तो पहले दे विच लकीरे अंक दे विच 4567 है, तो अंकित मूल कितना होगा 6 दा, 6 दा 6 ही रहेगा, 4 दा 4 ही रहेगा, 3 दा 3 ही रहेगा जी। बी दे विच वेखो 0 दा 0 रहेगा, तो डी दे विच 5221 है, तो 5 दा 5 ही रहेगा। इस तो अगे पेज नंबर 20 ते आ जाओ, इहदा आपां विस्तृत रूप लिखना वा। विस्तृत रूप मैं तुहानूं दिखाया सी कि विस्तृत रूप किस तरह लिखीदा वा, तुहानूं समझाया भी सी कि विस्तृत रूप लिखण दा की ढंग हुंदा है। जिहड़ी इकाई वाला अंक है उहनूं आपां एक दे स्थान ते मंनदे आ, ते मन लो पहला हैगा 2134 है ना, ते 2134 दी 4 गुणा 1 बराबर 4, ते 3 नूं की लिखांगे, 3 गुणा 10 बराबर 30। फिर एक नूं की लिखांगे, 1 गुणा 100 बराबर 100, ते 2 नूं की लिखांगे, 2 गुणा 1000 बराबर 2000। ते फिर इहदा विस्तृत रूप की हो जाएगा, दसो की होगा विस्तृत रूप, 2000 जमा 100 जमा 30 जमा 4, इहदा विस्तृत रूप हो जाएगा। इस तरह ही बाकी सवाल जड़े आ वो तुसी करने ने, ठीक है। सो चलो आपां हुण चलदे आ अभ्यास एक दी चार दे उत्ते। पेज नंबर है साडा 22, इहदे विच लिखिया है खाली स्थान विच ग्रेटर दैन लैस दैन, इस तों वड्डा इस तों छोटा, ठीक है, छोटा जां छोटे तो वड्डा, वड्डे तो छोटा, जां बराबर। आपां इच साइन भरने आ, निशान भरने आ। हुण देखना इहदे विच पहली संख्या 872 है, दूसरे पासे 1872 है, ते आपां दोनां दे विच देखना है कि दोनों चों वड्डी किहड़ी है। पहलों इह देखना मैं, जिधर वड्डी संख्या हुंदी उधर नूं आपां मूँह खोल दिंदे आ, यानी कि उस पासे खुला मूँह रखदे आ, पता ना तुहानूं साइन दा, खुला मूँह रखदे आ, ते जिहड़ा जिहड़ा अंक जिहड़ा है, जिहड़े अंक छोटे ने, जिहड़ी संख्या छोटी आ, उधर नूं आपां मूँह बंद वाला करदे आ, तिखा बन्ना उधर करदे आ, इस नूं आपां छोटा वड्डा कह दिंदे। ते मान लो कोई संख्या बराबर होवे ते आपां उहदे विच बराबर भरदे आ, कोई संख्या जिहड़ी बराबर आ उह लभो, कोई बराबर संख्या हैगी आ, ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਈ ਵੇਖੋ, 3503 ਕਿ 3350, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਸੰਖਿਆ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, 3503 ਵਾਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਉੱਧਰ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣਾ, ਛੋਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਖਾ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਸੰਖਿਆ ਬਰਾਬਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖਣਾ। ਅੱਗੇ 2 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਵੇਖੋ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਪਛਾਣੋ ਅਤੇ ਲਿਖੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 872, 278, 827 ਅਤੇ 728, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ। ਸਮਝਾਈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਾਈ ਵਾਲਾ ਵੇਖ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ 1000 ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 1000 ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੰਕ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਅੰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। 872 ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਤੱਕ ਇਕੱਠ ਜਾ ਰਿਹਾ, 278 ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਤੱਕ, 827 ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਤੱਕ ਇਕੱਠ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 728 ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਤੱਕ 7 ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਕੜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੇਖੋ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪ ਵੇਖੋ 8 ਹੈਗਾ, ਪਰ 8 ਸਾਨੂੰ 2 ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਦਹਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ 872, 7 ਵੱਡਾ ਨਾ, ਉੱਧਰ 2 ਵੱਡਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ 8 ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, 872, ਠੀਕ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। 3 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪਛਾਣੋ ਅਤੇ ਲਿਖੋ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪਛਾਣਨੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 'ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਕੜੇ, ਸਾਰੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ, ਉਹ ਲੱਭਣੀ। 7 ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 9, 7, 8 ਅਤੇ 9 ਸੈਂਕੜੇ 'ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਅੰਕ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 7 ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਛੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੋਈ 7 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੈਂਕੜੇ 'ਤੇ, ਇਹੀ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।
या आप कढ़ के लिख देनी है। इस तरह ही बाकी सवाल करने ने। चार नंबर सवाल, संख्यावां नूं वाधे क्रम च लिखो। वाधे क्रम च किदां लिखदे आ? सब तो छोटी पहला, फिर उस तो वड्डी, फिर जो लभी वड्डी फिर उस तो वड्डी, फिर जो लभी वड्डी फिर उस तो वड्डी। ठीक है, ये भी तुहानूं मैं कराया होया, तुसीं लभ के कर सकदे हो। एग्जाम्पल के तौर पर एक पहला सवाल तुहानूं मैं करके दे रहा। सब तो छोटा इच किहड़ा है? उनहत्तर। ठीक है, सठ नौ उनहत्तर। उस तो बाद देखो सारे नौ नौ है ना, सैकड़े स्थान पर यह नहीं आने, छे वाला सैकड़े स्थान पर यह आएगा, 609 आ गया। फिर हूँ दो बज गए, 906 ते 960, ते 906 ते 960 चों सैकड़े वाले स्थान दोवें नौ है, दहाई वाले तो किहड़ा वड्डा है? छे वड्डा है, तो मतलब सब तो छोटा किहड़ा आएगा? पहले जीरो वाला, फिर 906 आएगा, तो लास्ट से क्या आएगा? 960। संख्या जी लिखते जाना आप, वो संख्या कटते जाना, तो अगली संख्या लिखते जाना, ताकि भुलेखा ना पवे, तो संख्या जी वाधे क्रम सानू लिखी लिखी जाए साड़ी। इस तरह बाकी सम करने हैं। इस अगला है घटते क्रम च लिखो। जिस तरह उपर समझाया तुहानू, इस तरह ही यह घटते क्रम च लिखना है। सब तो वड्डी संख्या पहलों लिखनी है। एग्जाम्पल दे रहा तुहानू, उदाहरण मैं, सब तो वड्डी संख्या च कि है? देखो दो अठ सैकड़े वाले स्थान पर सानू वड्डे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, पर ये हम देखना अपना दहाई वाले स्थान के उत्ते कि अंक जोड़े आ, सब तो वड्डा अंक कि वा वो देखना वा। यद 884, 884 वाला अंक जोड़ा वा वो वड्डा है, ये सब तो पहले लिखांगे। फिर 874 आ जाएगा, फिर 784 आ जाएगा, तो फिर 448 आ जाएगा। ठीक है, ये तो अपनी सोच समझना लिखना है बड़े आराम नाल। छेवां सवाल वेखो, अंकां 5 7 3 अते 8 तो चार अंकों की वड्डी तो वड्डी तो छोटी संख्या बनानी है। इन चार अंकों को अपना वरतों च लियाना बच्चे, तो ये सब तो वड्डी संख्या कि बनेगी, तो छोटी संख्या कि बनेगी वो लिखना है। वड्डी तो वड्डी संख्या आप जो लिखते हैं, तो क्योंकि चार ये साढ़े को अंक ने, यह मतलब हज़ार तक जाएगा, तो हज़ार के सब तो वड्डा अंक कि अठ, आप अठ हज़ार शुरू करांगे फिर, क्योंकि वड्डी तो वड्डी संख्या लिखनी है। अठ पहलों आएगा, फिर सत्त आएगा, फिर पाँच आएगा, फिर तीन घटते क्रम च आप वड्डी लिखनी हो, जे छोटी लिखनी तो सब तो छोटा कि आएगा? तीन, फिर आएगा पाँच, फिर सत्त, फिर अठ, 3578 ये छोटी संख्या बन जाएगी, तो 8753 ये वड्डी संख्या बन जाएगी। हुण सतवां सवाल वेखो, अंकां 2 3 0 अते 9 तो चार अंकों की वड्डी तो वड्डी अते छोटी तो छोटी संख्या बनाओ, ये तुसीं बनाउणी हुण। ठीक है, ये तुहाडे वास्ते है। एक तुहानूं मैं दसदा कि जदों आपां वड्डी तो वड्डी लिखनी हो, तो सब तो वड्डा अंक पहलों लिखदे हां। ठीक है, इस तरह जिहड़ा वा छोटी तो छोटी बनाउणी हो, तो सब तो छोटा अंक जिहड़ा आपां पहलों लिखते हैं। पर ये हूँ जीरो है, इस गल का ख्याल रखना है कि जीरो नूं आपां जिहड़ा है ना तो अगे लैके जाना ना पिछे लैके जाना वा, जीरो की वरतों करनी है, फिर आपां वड्डे तो वड्डा छोटे तो छोटा बनाउणा है। तुसीं कोशिश कर लियो जीरो पहलों तो बाद भी लिख लियो, ये नहीं कि अंको गलत होएगा, वह भी सही होएगा, लेकिन आपां जीरो नूं सही इस्तेमाल करना, तो जीरो आपां विच भी लियाउण की कोशिश करनी, उहदे नाल वड्डा छोटा बनाउण की कोशिश करनी है। ठीक है जी, ये सी बच्चों तुहाडी अभ्यास एक दी चार। ठीक है, हुण जिहड़ा है आपां इसनूं दोहराई जिस तरह की है तुहाडे सामने, तुसीं घर इहदी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करन तो बाद जिहड़ा है वह आपां अगला चैप्टर करना है। सारे दे सारे अभ्यास एक बार कर लियो, करन तो बाद अपनी कापियां ते चैक कर लियो तुसीं कीती है, अगर नहीं कीती तो जिन्ना मैं तुहानूं करवाया कम तुसीं दोबारा कर सकते हो, रिवाइज़ कर सकते हो, दोहराई कर सकते हो। ठीक है, अगली बार आप हम जो क्लास लवेंगे गणित की, तो वो आप करांगे, आप हम रोमन अंक करने ने अगे। ठीक है, वो तुहानू मैं समझावांगा कि किस तरह करने ने। हुण तुसीं जिहड़ा है इस काम नू अपने नू चैक कर लो, सही कर लो, दोबारा लिखना दोबारा लिख लो, तो रिवाइज़ कर लो, दोहराई कर लो। सो अगली वीडियो तक मैं तुहाडे कोल इजाजत मांग रहा हाँ। मेरे प्यारे बच्चे काम करनगे, अपनी साफ सफाई रखेंगे, मास्क पहनेंगे, आले दुआले की सफाई रखेंगे, घर तो बाहर नहीं निकलना, अपने घर के रह के ही स्कूल का काम करना, वड्डियां का सत्कार करना, तो सारे नूं प्यार करना है। तुहाडा बहुत बहुत सारे का धन्यवाद, सत श्री अकाल।